तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा यूट्यूब के बारे में। अब यूट्यूब आप सभी यहां पर यूज करते होंगे। अब यूट्यूब की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि यूट्यूब की एप्लीकेशन में काफी सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि शायद आपने यूज करे हो सकता है इनमें से कुछ आपने यूज करे हो, कुछ ना करे हो। ये जो टिप्स हैं आपके यूट्यूब को यूज करने में काफी ज्यादा, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसको काफी ज्यादा अच्छा कर देने वाली है और काफी कमाल की है जो टिप्स और ट्रिक्स रहने वाली है। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये वीडियो आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो हैंड टू हैंड, मतलब मैं बताता रहूं जैसे जैसे, तो ट्राई भी करते रहना एक एक टिप्स को कि काम कर रही है नहीं कर रही, या इस टिप्स के बारे में नहीं बताता आपको, या मैंने कौन सी टिप आपको न्यू बताई है, इस बारे में नीचे कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल पर नए तो चैनल करना सब्सक्राइब। और चलते हैं अपने वीडियो के अगले पार्ट में, जहां स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों बात करते हैं पहली टिप्स के बारे में, वो है ऑटो प्ले। अब ये क्या होता है, जब आप सपोज कोई वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई गाना देख रहे हैं या कोई भी कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपने वो चला रखी है और आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो खत्म हो गई, तो उसके बाद आपकी जो अगली वीडियो है वो अपने आप यहाँ पर प्ले हो जाएगी। आपसे कोई भी कुछ भी मतलब परमिशन नहीं मांगेगी कि चलनी है नहीं चलनी है, वो अपने आप प्ले हो जाएगी। तो अगर आपकी चीज़ बंद हो गई है तो आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है, या फिर आप नहीं चाहते अगली वीडियो आपकी परमिशन के बिना चले, तो ये चीज़ आपको कहाँ से ऑन ऑफ करनी है, तो उसके लिए आपको जाना है यूट्यूब की सेटिंग में। ऊपर की तरफ तीन डॉट दिख रहे होंगे, वहाँ जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल सेटिंग में जाना, वहाँ जाने के बाद ऊपर की साइड आपको दिख जाएगा ऑटो प्ले, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अंदर की तरफ ऑन ऑफ का एक स्विच होगा जिसको कि आप ऑन कर सकते हैं तो ये ऑटो प्ले काम करेगा, ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब जो लोग काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करते हैं तो वो क्या है, वो काम के हिसाब से यूज़ करते हैं और उसमें उन्हें क्या है, कोई वीडियो प्ले करी, अब जैसे फालतू के पार्ट होते वीडियो के शुरू के, उन्होंने स्किप कर दिया, डबल टैप करा स्किप करा डबल टैप करा स्किप करा, और वो केवल अपने काम की चीज़ देखना चाहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीडियो को स्किप करके देखते हैं। उस कंडीशन में क्या है, आप डबल टैप करते हैं तो आपके 5 सेकंड ही सिक होते हैं यहाँ पर, तो अगर आप वो सेकंड्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वापस से जाना होगा यूट्यूब में, यूट्यूब की सेटिंग में जाना होगा, जनरल में जाना होगा, वहां जाकर आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आपको मिल जाएगा डबल टैप सिकिंग, तो ये ऑप्शन आपको करना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे निकल के आएंगे, आपको 5 सेकंड करना है, 10 सेकंड करना है, 15 सेकंड करना है, या फिर 1 मिनट तक आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आप 1 मिनट यहाँ पर चूज करते हैं तो अपनी वीडियो प्ले करते हैं और आपने सपोज 3 मिनट की वीडियो चलाई और आपने डबल टैप करा तो आपकी जो वीडियो वो पूरी यहाँ पर 1 मिनट सिक हो जाएगी, यानी कि फिर आपकी 2 मिनट की वीडियो यहाँ पर रह जाने वाली है। अब बात करें नंबर 3 के बारे में, वो है कि आप अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हायर क्वालिटी में चल रही है और आपके पास जो डाटा है वो लिमिटेड है और आप नहीं चाहते कि वो इतनी क्वालिटी में चले, आपका काम 720 या 480 पिक्सल में भी देखकर हो जाएगा, तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है, वहां जाकर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जनरल में जाना, वहां पे एक तो डाटा सेवर दिखेगा, अगर आप डाटा सेवर को ऑन कर दे तो जब आप अपने नेटवर्क पर होंगे, यानी कि मोबाइल नेटवर्क में बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली आप जो सेट कर देंगे 480 या 720 उस पर चलेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन वहीं आप एक चीज और सेट कर सकते हैं, वो है कि वाईफाई सेटिंग। अब उसमें क्या है, जब आप किसी वाईफाई पर होंगे और आपको अच्छा नेट मिल रहा होगा तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है ऑटोमेटिकली हाइयर हो जाने वाली है। अगर किसी वीडियो की जो क्वालिटी है 1080 है तो 1080 में चलेगी, किसी की 2K है तो 2K में चलेगी। तो यहाँ जाकर आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और उससे आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर मैं डाटा पर हूँ और तो मेरा ज़्यादा डाटा कंज्यूम ना हो और अपनी मैं वीडियो पूरा देख पाऊँ। दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, तो आपने देखा होगा जब से हमारे पास बड़े वाले फ़ोन आए हैं, लगभग आपके 6.5 इंच हुआ, 6 इंच की डिस्प्ले हुई या उससे ऊपर की, उसमें क्या है, आपके वीडियो के दोनों तरफ एक ब्लैक स्ट्रिप आपको दिखती है। अब ऐसे में क्या करना होता है, आपको वीडियो पर ऐसे अपने दोनों फिंगर्स लेके जाने, उसको ऐसे फिल करना होता है, उसके बाद जो आपकी वीडियो थोड़ी सी कट तो जाएगी लेकिन पूरी स्क्रीन को फिल कर देगी। अभी आपको बार बार करना होता है जब भी कोई वीडियो चलाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप सेटिंग में जाके ऑटो फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा वापस से, और सेटिंग में जाने का आपको जनरल सेटिंग में जाना होगा, वहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऑटो फिलअप का, वो आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आप कभी भी कोई वीडियो प्ले करेंगे और वो आपके स्क्रीन के हिसाब से छोटी होगी और आपको दोनों तरफ ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिख रही होंगी और आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली फिलअप मोड में यहाँ पर प्ले होगी। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो भाई आपको शायद नहीं मिले, क्योंकि ये जो फीचर है प्रीमियम मेंबर्स के लिए काम करता है। इसमें क्या होता है, आपको पता है YouTube की वीडियोस को आप बैकग्राउंड में प्ले नहीं कर सकते हैं, और करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिप बताई हुई है, मतलब कि छोटी सी है, उसके लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं अगर बैकग्राउंड में आप YouTube की वीडियो देखना चाहते हैं। अब बात करें इस टिप के बारे में, तो वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास मेंबरशिप है तो आप वीडियो को अपनी सेटिंग में जाना है आपके YouTube की, और वहाँ पर जाकर आपको स्प्लिट स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखेगा, वो ऑन कर देना है।
उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो YouTube वीडियो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर की साइड आधे पोर्शन में यहाँ पर प्ले हो जाएगी और बाकी नीचे की साइड आप कोई और काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो टिप्स काम करेगी ओनली फॉर उनके लिए काम करेगी जो कि प्रीमियम मेंबर्स यहाँ पर हैं। अगली टिप के बारे में बात करें वो है कैप्शन को लेकर। अब यहाँ पर आपने देखा कभी कभी आप वीडियो को प्ले करते हैं तो नीचे क्या होता है, नीचे आपको दिखता रहता है कि जो बंदा बोल रहा है वो आपको लिखा हुआ दिखता रहता है। अब वो हिंदी में भी हो सकता है या इंग्लिश में भी हो सकता है। अब आपको शायद उस पर ध्यान ना दिया हो, बहुत इरिटेटिंग लगता है, मतलब सामने वाले बंदे की बात सुनने से ज़्यादा हमारा ध्यान उसको नीचे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने पर जाता है। तो कुछ लोग इसको बंद कर देते हैं, जैसा कि ऑलवेज मैं करता हूँ, मैं इस चीज़ को हमेशा बंद कर देता हूँ। तो इसको बोलते हैं कैप्शंस। अब कैप्शंस आपको कैसे बंद करने, स्टार्ट करने, चालू करने, उसके लिए आपको नीचे ही वीडियो कोई प्ले करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है, सीसी करके आप वहाँ पर जाकर उसको बंद कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको आपको देखना कि इंग्लिश मुझे अच्छी करनी है तो इंग्लिश पढ़नी भी है, सामने बंदा बोल रहा है, तो उस चीज़ को आप ऑन भी कर सकते हैं। अगर एक बार आप उसको ऑफ कर देंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ ही चलता रहेगा, वो आपके आने वाली काफ़ी वीडियोज तक आपको अगर ऑन करना होगा तो मैन्युअली ऑन करना होगा, तो आपका काम यहाँ से बन जाने वाला है। तो दोस्तों यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हम YouTube को यूज़ करते हैं। बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन है लेकिन कभी YouTube की सेटिंग में शायद ही जाते हो तो यहाँ जाकर आप YouTube के जो भी एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, चीज़ों को चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से YouTube में जो भी चेंजेस हो पाते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी टिप्स हो सकता है आपको पता हो या शायद ना भी पता हो, तो मुझे सबसे पहले कमेंट कर बताइए आपको किस टिप्स के बारे में पता था या कुछ आपको नया इसमें जानने के लिए मिला है नहीं मिला। साथ में चैनल पर नए तो चैनल को ना सब्सक्राइब, और यार वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।